हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर है, टेस्ट में उतना ही ज़्यादा बढ़िया और बनने में बहुत ज़्यादा आसान। और सबसे बड़ी बात, हम इस केक को घर में अवेलेबल चीज़ों से बनाएंगे, यानी कि जो चीज़ें हमें घर में आसानी से मिल जाए उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते में बहुत ही सुंदर केक बनकर तैयार होगा। गाइस, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। केक को बेक करने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं इस सुंदर से केक को, यानी जेब्रा केक को। इस केक को बनाने के लिए हमने लिया है मिक्सर जार। इसमें डालेंगे हम एक कटोरी भर के चीनी। हमने साबुत चीनी ली है, आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा घटा और बढ़ा सकते हैं। ये लिया है हमने सनफ्लावर ऑयल एक कटोरी, इसे भी डाल लिया है। अब डालेंगे आधा कटोरी दूध। ये हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। ये है 2 चम्मच वाइट विनेगर, इसे भी डाल लेंगे। अब हम इस जार पर ढक्कन लगाकर इसे थोड़ी देर चला लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसे पीस लिया है। अब दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और चीनी भी हमारी अच्छे से पिस गई है। ये देखिए गाइस, चलिए तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने बाउल ले लिया है, अब हम इसमें इसे निकाल लेंगे। हम केक की बाकी तैयारी करने से पहले कढ़ाई को प्री हीट होने रख देते हैं। ये हमने पुरानी कढ़ाई ली है, जिसका तला काफ़ी मोटा है। इसमें हम रख देंगे ये स्टैंड और हम इसे ढक देंगे। लो फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे। साथ ही हम केक टिन भी तैयार करके रख देते हैं। ये हमने केक टिन लिया है, इस पर हम ऑयल लगा लेंगे। देखिए गाइस, हमने इस पर ऑयल लगा लिया है। अब हम इस पर लगाएंगे बटर पेपर। ये हमने बटर पेपर लिया है, इसे हम लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर से भी हम ऑयल लगा लेंगे। ये साइडें बची हैं, इनके ऊपर से भी हम बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है या नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी मैदा केक टिन में डालकर पूरे में फैला दें। इस बटर पेपर के ऊपर से भी हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इस केक टिन को साइड रख देंगे। देखिए गाइस, तैयार हो गई हमारी केक टिन। अब हम केक की बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये हमने एक छलनी ली है, इसमें डालेंगे हम एक कटोरी मैदा, इसे हम छान देंगे। अब हम एक कटोरी मैदा और लेंगे, इसे छलनी में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसका भी आधा हम लेंगे बेकिंग सोडा, इसे भी डाल लेंगे। इसे भी छान लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारी चीज़ें छान ली हैं। एक स्पैचुला से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलिए तो मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये देखिए गाइस, हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है, इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी दूध। चलिए तो डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा दूध और इसमें डाल लेंगे। पहले हम मिक्स करके देख लेते हैं।
ये देखिए गाइस, हमने सारा दूध मिक्स कर लिया है, हमें और दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए गाइस, हमारा बैटर सही कंसिस्टेंसी में है, हमें ऐसा ही चाहिए। एक बार और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, जब हम इसे गिरा रहे हैं तो रिबन की जैसा गिर रहा है और जाके बैटर में मर्ज हो रहा है। बस ऐसा ही चाहिए, इससे गाढ़ा ना पतला। अब हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें इसे जैबरा केक बनाना है। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं दोनों बराबर भागों में। ये देखिए गाइस, हमने दो जगह बांट लिया है इसे। अब एक साइड को उठा के रख देंगे। अब हम एक कटोरी को उठा के रख देंगे और जो बाउल में बचा है इसमें हम कोकोआ पाउडर डालेंगे। ये हमने दो बड़ी चम्मच कोकोआ पाउडर लिया है, इसे डाल लेंगे और बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसमें कोकोआ पाउडर मिक्स कर लिया है। चलिए तो अब हम केक टिन में इसे डालना शुरू करते हैं। ये हमने केक टिन ली है। गाइस आप ये स्टेप ध्यान से देखना क्योंकि इसी स्टेप की वजह से जैबरा केक बनेगा और इसमें लाइनिंग आएंगी। पहले हम चॉकलेटी वाला बैटर डालेंगे एक चम्मच भर के। गाइस इसमें फैला कर नहीं डालना, बस एक जगह ही डालना है। ये मेरी बिटिया रानी डाल रही है इस वजह से ऐसा है। और ये हमने दूसरा वाला बैटर लिया है, वाइट वाला, इसे भी हम एक चम्मच भर के डालेंगे। बस सेंटर में डालना है, ऐसे फैला के नहीं डालना, ये स्वयं फैल जाता है अपने आप। चलिए तो हम एक के बाद एक बैटर डालकर पूरा केक तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, फटाफट डाल लेते हैं। देखिए अपने आप कैसे ये लाइनिंग बन रही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बैटर ऐसे ही डालते रहना है। ये देखिए गाइस, हमने पूरा बैटर डाल लिया है, लाइनिंग कितनी अच्छे से आई है। गाइस ये देखिए, ये लिए हमने टूथपिक, इससे हम लाइन खींचेंगे। ये देखिए, अब हम टूथपिक को साफ कर लेंगे, फिर दूसरी लाइन खींचेंगे। इसी तरह से हम एक लाइन खींचने के बाद टूथपिक को साफ करते रहेंगे। लाइन खींचने की वजह से केक के ऊपर कितना सुंदर फूल बन रहा है और जैबरा में जो तिरछी लाइनें होती हैं वो भी इसी से बनेंगी। ये आपको केक काटने के बाद पता लगेगा। ये देखिए गाइस, अब हमारा केक बेक होने के लिए तैयार है। चलिए तो अब हम इसे बेक होने रख देते हैं। इधर हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। अब हम इसमें केक को बड़ी सावधानी के साथ रख देंगे। ये देखिए, हमने केक को बेक होने रख दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और 30 मिनट के बाद चेक करेंगे। केक को बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। चलिए तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है। केक की सारी लाइनिंग कितनी खिलकर आ रही है। ये देखिए गाइस, फूल भी प्रॉपर कितना सुंदर लग रहा है। ये लिए हमने टूथपिक, इससे हम चेक करेंगे केक हमारा अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। चलिए तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है। एक दो जगह और देख लेते हैं, बीच में भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, यानी हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। चलिए तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल कर एक स्टैंड पर रख देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। चलिए तो ठंडा होने देते हैं। केक ठंडा हो चुका है। ये देखिए गाइस, केक ने साइडें भी छोड़ दी हैं। चलिए तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। केक देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बेक होने के बाद भी इसका फूल खराब नहीं हुआ है। केक के किनारों को चाकू से हटा लेंगे। केक जहां कहीं भी चिपका होगा वो हट जाएगा।
केक के ऊपर रखेंगे एक प्लेट और केक टिन को उल्टा कर देंगे, थोड़ा टैप करेंगे, केक टिन को उठाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारा केक आसानी से निकल गया है। अब हम इसके सारे बटर पेपर हटा देंगे। चलिए तो जल्दी से सारे बटर पेपर निकाल देते हैं। उसके बाद केक को कट करेंगे। लास्ट में बचे हुए इस बटर पेपर को भी निकाल देते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा केक कितना स्पंजी बना है। चलिए तो इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा केक कितना सुंदर लग रहा है। कितने कम सामान के साथ और बिना ओवन और ड्राई फ्रूट के कितना सुंदर टेस्टी केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए गाइस, हमारा केक साइडों से भी अच्छे से बेक हुआ है। चलिए तो अब करते हैं केक को कट। केक को काटने के लिए ये हमने चाकू ले लिया है। अब हम इस केक को काट लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा केक कितना सॉफ्टली कट रहा है। अब मैं आपको ये पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारे केक पर कितनी अच्छी लाइनिंग आ रही है। सब साइडों से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ऊपर से, इस साइड से, उस साइड से, सारी साइडों से लाइनिंग कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए गाइस, हमारा केक कितना स्पंजी बना है और पूरा अंदर तक बेक हुआ है। इसमें एक एक लाइन खिल कर आ रही है। तो गाइस, इस केक को एक बार तो ट्राई करना बनता है। न्यू ईयर भी बिल्कुल पास है, तो क्यों ना न्यू ईयर पे इसे ट्राई किया जाए। इस केक की रेसिपी बिल्कुल इजी और सिंपल है और बहुत ही कम सामान के साथ बना हुआ केक है ये। गाइस, अगर आपको मेरी इस जैबरा केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करके बताना ना भूलें कैसा लगा। और आप इस न्यू ईयर पे इस केक को ज़रूर ट्राई करें।